मैं आपका प्यारा मित्र सीके यादव आप सबके लिए लेकर आया हूँ लाबिम्स की तरफ से नई वीडियो लेक्चर्स जिसका नाम है भोली। अगर आपने अभी तक भोली चैप्टर का समरी नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख सकते हैं। और भोली चैप्टर के बाद हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं भोली चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। और यदि आप इस वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना भोली चैप्टर्स शॉर्ट आंसर। तो शॉर्ट आंसर में सबसे पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा गया कि वाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हिम हर, भोली के पिता उसके लिए क्यों चिंतित थे। तो रामलाल हैड सेवन चिल्ड्रन, जो रामलाल जिनका नाम नंबरदार था उनके कितने पुत्र थे बेटा, सात पुत्र थे, सात बच्चे थे। ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट भोली, अर्थात भोली को छोड़ करके बाकी सभी लोग वर गुड लुकिंग हेल्थी एंड स्ट्रांग। गुड लुकिंग मतलब होता है अच्छे दिखाई दे रहे थे, हेल्थी थे एंड स्ट्रांग और मजबूत थे। ठीक है, मतलब भोली को छोड़ करके बाकी सभी बच्चे कैसे थे बेटा, हेल्थी थे और स्ट्रांग थे। ऑन द कॉन्ट्रेरी भोली, और जहाँ तक कि भोली की बात थी, हैड नाइदर गुड लुक, ना ही वह अच्छी दिखाई देती थी, नॉर इंटेलिजेंट, और ना ही वह कोई बुद्धिमान लड़की थी। सी सो इसलिए ही वॉज वरीड अबाउट हर, इसलिए वह क्या थे, अपने बच्चे के लिए चिंतित थे। सेकेंड क्वेश्चन, फॉर व्हाट यूजुअल रीजन्स टू इज भोली सेंट टू स्कूल, मतलब भोली को स्कूल भेजने का कारण क्या था। तो सीधा सा कारण था, सी इज सेंट टू स्कूल्स नॉट फॉर एजुकेशन, वह एजुकेशन के लिए अर्थात शिक्षा के लिए स्कूल नहीं भेजी गई, बट लेकिन टू वरी चिंतित होने के लिए हर टीचर्स अबाउट हर, उसके शिक्षकों को, इसलिए उसे स्कूल भेजा गया, क्योंकि उसकी माँ का मानना था कि वह कम अकल है, और यदि कम अकल है तो जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग चिंतित होंगे तो परेशानी होगी। अब इसके बारे में चिंता किसे करने दीजिए, उसके स्कूल के शिक्षकों को। और फिर उसके बाद वह वहाँ से कुछ नहीं बोलते और चले जाते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, डज भोलीज इन्जॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल, क्या भोली ने अपने स्कूल का पहला दिन आनंद से व्यतीत किया। तो स्टोरी मैंने आप लोगों को बताया था ना कि वह चुपचाप शांति से मुंह नीचे मुंह करके खड़ी थी। तो चलिए देखिए, यस हाँ, भोली इन्जॉयज हर फर्स्ट डे एट स्कूल, भोली ने अपना पहला दिन बहुत अच्छे से आनंदित से इन्जॉय लिया। एज सी वाज ग्लैड, जैसे कि वह बहुत प्रसन्न थी, टू फाइंड पा करके सो मैनी गर्ल्स, बहुत से बच्चों को ऑलमोस्ट ऑफ हर वन एज, अपनी उम्र के बराबर, अर्थात अपनी उम्र के बराबर के बच्चों को पा करके वह क्या थी बेटा, बहुत ज़्यादा प्रसन्न थी, ग्लैड थी। सी होप्ड, वह आशा करती थी दैट कि वन ऑफ दीज गर्ल्स, उनमें से एक लड़की, उनमें से कोई भी लड़की, माइट बिकम हर फ्रेंड, उसकी मित्र बन सकती है, अर्थात आसानी से वह उसके साथ मित्रता कर सकती थी। क्वेश्चन नंबर फोर, डज सी फाइंड हर टीचर्स डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम, क्या उसने अपनी शिक्षिका को घर के अन्य लोगों से अलग पाया। यस हाँ, सी फाइंड्स हर टीचर्स, उसने अपने शिक्षिका को पाया डिफरेंट, अलग व्यवहार करते हुए, फ्रॉम द अदर पीपल्स एट होम, घर के दूसरे लोगों से। एज द टीचर वॉज पोलिट एंड हिज एंड दिस टच्ड हर हर हर्ट, कहने का मतलब है कि जो लेखिका थी वह भोली के लिए पॉलिट थी, जिस कारणवश क्या था, भोली का जो हृदय था उसके हृदय भर आई, अर्थात उस महिला की बातों को देख करके उसका हृदय भर उठा, और इसलिए वह घर की अपेक्षा उस टीचर से काफ़ी लगाव उसका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, वाई डू भोली पेरेंट्स एक्सेप्ट दिसंबर मैरिज प्रपोजल, भोली के माता पिता दिसंबर का शादी का प्रस्ताव क्यों स्वीकार कर लिए। तो दिसंबर इज अ रिच गोसियर्स, जैसा कि पता था दिसंबर क्या था बेटा, एक एक धनी व्यक्ति था,
ही हैज अ बिग शॉप, उसके पास एक बड़ी दुकान थी, एंड हिज वन हाउस, और उसका स्वयं का भी एक घर था। ही आल्सो डज नॉट आस्क फॉर डाउरी, और उससे भी बड़ी बात थी कि उस टाइम पर वह डाउरी की बात नहीं कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 7, वाई डज द मैरिज नॉट टेकन प्लेस, विवाह क्यों नहीं हो पाया। तो विवाह क्यों नहीं हो पाया था पर बेटा, इट इज बिकॉज, ऐसा इसलिए था क्योंकि ब्रिजग्रूम जो वर था डिमांडेड, मांगने लगा अ डाउरी दहेज ऑफ 5,000 रुपीज, 5,000 रुपये। भोली डज नॉट वॉन्ट टू मैरी सच अ पर्सन ऑफ हु इज ग्रेडी, अर्थात भोली उस व्यक्ति से विवाह नहीं करना चाहती थी जो इस तरीके का लालची व्यक्ति हो। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, वाई वाज सुलेखा कॉल्ड भोली, सुलेखा को भोली के नाम से क्यों जाना जाता था। एट 10 months एज, अर्थात 10 महीने की उम्र में सुलेखा हैड फॉलन ऑफ द कॉट, सुलेखा अपने बिस्तर पर से अर्थात खटिए पर से गिर गई थी। इट परहैप्स, शायद इसी कारणवश, हैड डैमेज्ड सम पार्ट्स ऑफ हर ब्रेन, उसके मस्तिष्क का कुछ भाग क्या हो गया बेटा, डैमेज्ड हो गया। बींग अ सिंपलिटेशन सिंपलेटन्स, और इसी कार्डवश, इसे साधारणतः नाम दिया गया सीवाज कार्ड भोली, जिसे भोली के नाम से जाना जाने लगा। आगे देखिए, वाई वाज भोली सेंट टू स्कूल, भोली को स्कूल क्यों भेजा गया, मतलब भोली को स्कूल भेजने का कारण क्या था। भोलीज मदर, भोली की माँ सजेस्ट, सलाह देती है दैट कि भोली शुड बी सेंट टू स्कूल, कि भोली को स्कूल भेजा जाना चाहिए। द तहसीलदार आस्क्ड, तहसीलदार आर्ट ने पूछा था भोलीज फादर, भोली के पिता से, टू सेंड, भेजने के लिए हिज डॉटर, अपने पुत्रियों को टू स्कूल, स्कूल में। अर्थात तहसीलदार एक बार जब आए हुए थे गांव में उनके, तो उन्होंने क्या किया था कि उसके पिता से, भोली के पिता से अपनी पुत्रियों को स्कूल भेजने के लिए बात कही थी। तो भोली बींग्स यूजुअली एंड विटलेस ऑलरेडी स्टूड नो चांस ऑफ गेटिंग मैरिड, और भोली जो थी वह थोड़ी सी मंद बुद्धि थी, मतलब उतना ज़्यादा बुद्धिमान नहीं थी। इस कारणवश उन्होंने सोचा कि उसके जो गेटिंग मैरिज का जो चांस है वह बहुत ही कम है, विवाह होने का चांस बहुत कम है। दस इस प्रकार दे सेंड भोलीज टू स्कूल्स टू प्लीज तहसीलदार, मतलब इसलिए उन्होंने भोली को स्कूल भेजा ताकि वह तहसीलदार को खुश कर सकें, तहसीलदार से प्रशंसा प्राप्त कर सकें। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड भोली रिएक्ट वेन द टीचर आस्क्ड हर नेम, अर्थात जब स्कूल में, विद्यालय में वो पहुँचती है और उसके शिक्षिका ने अपना उस बच्चे का नाम पूछा, तो वह भोली कैसे प्रतिक्रिया की। भोली स्टैमर्ड, भोली हकलाने लगी। वेन सी स्पोक एंड कुड नॉट टेल हर नेम, वेन सी स्पोक, जब वह बोलना प्रारंभ की, एंड कुड नॉट टेल हर नेम, और अपना नाम न बता सकी कम्प्लीटली, पूरी तरीके से। When the teacher asked to her to do so, जब उसके शिक्षिका ने उसे फिर से ऐसा करने के लिए कहा, मतलब कि तुम कर सकती हो, she broke into tears, और उसकी आंखें क्या हो गई बेटा, आंसू की धारा आंखों से बहने लगी, अर्थात वह रो पड़ी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, What fascinated Bholij on her first day at school, मतलब भोली को इस विद्यालय में कौन सी चीज़ सबसे अच्छी लगी। तो इन भोलीज क्लासरूम, भोली की कक्षा में, देयर वर पिक्चर्स ऑन द वॉल्स, मतलब ढेर सारी तस्वीरें थी दीवारों पर। देयर वर हॉर्स, गोट, पैरट, काऊ, इटीसी, इन दोज पिक्चर्स, मतलब उन पिक्चर में क्या क्या थे बेटा, घोड़े थी, बकरियाँ थी, तोते थे और गाय थी। Dear colors fascinated her, उसका जो रंग था वह उसे बहुत ही आकर्षक लगा। क्वेश्चन नंबर 11, Why did सुलेखा started stammers, सुलेखा हकलाना क्यों शुरू की। सुलेखा वाज बेबी, जब सुलेखा बच्ची थी। When she fell down from the cot, जब वह बिस्तर पर से गिर गई थी। हर ब्रेन वाज डैमेज, तो उसका दिमाग क्या था वो हो गया बेटा, डैमेज हो गया। सी कुड नॉट स्पीक टिल द एज ऑफ 5 years, अर्थात लगभग वह 5 साल तक बोल नहीं पाई। सी वाज, वह थी मेंटली स्लो, मेंटली स्लो मतलब समझते हैं ना, मंद बुद्धि जिसे कहते हैं, लैग्ड कॉन्फिडेंस, और कम चेतना वाली।
दैट इज़ वाई सी स्टार्टेड स्टैमर्स, और इसी कारण से वो हकलाना शुरू कर दी। क्वेश्चन नंबर 12, वाई डिड भोली एट फर्स्ट एग्री टू एन अनइक्वल्स मैच, भोली पहले प्रारंभ में असमान विवाह के लिए राजी क्यों हुई। वाई डिड सी लेटर रिजेक्टेड टू मैरिज, और अंत में उसने विवाह को क्यों ठुकरा दिया। तो देखिए, एट फर्स्ट प्रारंभ में भोली हैड एग्रीड टू मैरिड एन ओल्ड मैन, भोली एक वृद्ध व्यक्ति से विवाह करने के लिए तैयार हो गई। बिकॉज, क्योंकि ऑफर फादर्स ऑनर, अपने पिता के सम्मान के लिए। डियर बाय प्लेसिंग्स हर फैमिलीज इंटरेस्ट ओवर हर वॉन, अर्थात यह उसके परिवार की रुचि थी, इसलिए उसने विवाह के लिए तैयार हो गई। हाउएवर, फिर भी सी लेटर रिफ्यूज टू मैरी हिम, बाद में उसने विवाह करने से मना कर दिया। बिकॉज, क्योंकि सी सा हाउ मीन्स से उसने देखा कि इस कैसा व्यक्ति है, कैसे मतलब है, ग्रीडी लालची है वह व्यक्ति, कॉन्टेम्पटेबल्स ही वॉज, और बहुत ही लापरवाह, मतलब लालची और ढोंगी व्यक्ति के साथ वह विवाह नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने विवाह के लिए इनकार कर दिया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हाउ डिड भोली काउंसल्स हर फादर्स इन द एंड, अपने पिता को वह किस तरीके से काउंसल्स करती है, अर्थात सांत्वना देती है। तो भोली काउंसल्स हर फादर, भोली अपने पिता को सांत्वना देती है, दैट कि इवन इफ शी डिड नॉट गेट मैरिड, यदि उसका विवाह कभी नहीं होता, सी वुड टेक केयर ऑफ हर पेरेंट्स, वो अपने माता पिता की ख्याल रखेगी इन दियर ओल्ड एज, उनके पुराने समय में, अर्थात बूढ़े समय में। सी ऑल्सो टेल्स देम, उसने उन लोगों को और बताया कि दैट सी वुड टीच इन द सेम स्कूल्स, वह उसी स्कूल में पढ़ाएगी वेयर शी हैड लर्न सो मच, जहाँ पर उसने शिक्षा हासिल की थी। क्वेश्चन नंबर 14, वाई वाज भोलीज फादर वरिड अबाउट हर, भोली के पिता उसके लिए चिंतित क्यों थे बेटा। भोलीज फादर वाज वरिड अबाउट हर, भोलीज के पिता उसके लिए चिंतित थे, एज सी हैड नाइदर गुड लुकिंग नॉर इंटेलिजेंट, क्योंकि वह ना ही बहुत ही अच्छी दिखाई देती थी और ना ही बहुत बुद्धिमान थी। He did not know how he would find the suitable groom for her. He did not know, वह नहीं जानते थे कि किस तरीके से उसके लिए एक उपयुक्त वर ढूंढा जाए। लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 15, When did the तहसीलदार साहब come to भोलीज village? तहसीलदार साहब गांव में कब आए? तो भोलीज वाज 7 years old, भोली 7 साल की थी। वेन मंगला वाज मैरिड, जब मंगला का विवाह किया गया। द सेम ईयर, उसी साल, अ प्राइमरी स्कूल, एक प्राथमिक विद्यालय, फॉर गर्ल, लड़कियों के लिए वाज ओपन खोला गया इन दियर विलेज, उनके गांव में। द तहसीलदार साहब कैम टू परफॉर्म इट्स ओपन सेरेमनी, तहसीलदार साहब उस गाँव में उस विद्यालय के ओपन सेरेमनी में आए हुए थे। तो मैं आशा करता हूं कि आप सबको यह भोली चैप्टर का क्वेश्चन सब समझ में आया होगा, और आप सब यदि लॉन्ग चाहते हैं तो लॉन्ग के लिए जल्द से जल्द हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोगों के पास समय कम है और आप लोग हर एक क्वेश्चन अच्छे से अटेंड करिएगा। क्वेश्चन के साथ आप लोग क्या करिएगा, सबसे पहली चीज़ आप लोग क्वेश्चन खुद अपने कॉपी पर नोट बना लीजिएगा, जिससे आपको कॉपी प्रॉफिट होगी, खास करके बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।